घर के बड़े बुजुर्ग हमारे घर की जान होते हैं और बहुत सारी जीवन के अनुभवों को संभाले होते हैं अपने में। उनका इस सर्दियों में कैसे ख्याल रखें आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो शरीर में जो वीकनेस आ जाती है वो आती है मस्कुलर वीकनेस, तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए, उस स्टिफनेस को दूर करने के लिए रोज़ उनको किसी भी अच्छे हर्बल जो ऑयल्स हैं, यानी कि जिनमें हर्बल ऑयल का मतलब है जिनमें ऐसी खास औषधियाँ पकाई जाती हैं जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, जो मसल्स को पुष्टि देती हैं, ऐसे किसी भी तेल से इन सर्दियों में उनका हल्के हाथ से मसाज करें। इसके अलावा उन्हें खास तौर पे एडवाइस करें कि वो ऐसे कपड़े पहने जिससे उनको ठंड अचानक ना घेर ले और वो जल्दी से बीमार ना पड़े। तो खास ख्याल रखें कि पैरों में हमेशा जुराबे पहन के रखें, लेकिन सोते वक्त पैरों में जुराबे ना हों और सिर वो ढक के सोएं। इससे क्या होगा कि उनके ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में बराबर रहेगा और वो किसी भी बीमारी की चपेट में आने से बचे रहेंगे। इसके साथ साथ ख्याल रखना चाहिए उनकी डाइट का। जिस तरह से उम्र बढ़ती जाती है उसी तरह से हमारे इंटेस्टाइन्स की जो मूवमेंट्स है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन बुज़ुर्गों को बहुत जल्दी घेर लेती है। तो उनको खाने में सैलड की तरफ एडवाइस ज़रूर करें। अगर उनके दांत नहीं हैं और वो ज़्यादा नहीं चबा पाते हैं तो ऐसी चीज़ें जिनमें मूली है, गाजर है, उसको आप कद्दूकस करके उनको खिला सकते हैं, जिससे उनको रफेज भी पूरी मिले और वो कॉन्स्टिपेशन के शिकार नहीं हों। और अगर इसके साथ साथ फिर भी कॉन्स्टिपेशन रहती है तो खास औषधियाँ हैं जिसमें त्रिफला बहुत ही बेहतरीन है, उसका सेवन उनको करने को दें। उनको जो पानी पीने को दें वो थोड़ा सा गर्म हो, और जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है सर्दियों में उनके लिए अगर वो 2 गिलास पानी में 4 चम्मच अजवाइन डाल के उसको उबालेंगे और धीमी आंच पे इतना पकाएंगे कि वो आधा रह जाए, तो उसको छान के गरम गरम पीने में दिन में 2 से 3 बार दें तो काफ़ी हद तक उनके जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलेगी और वो अपने आप को ठीक से कैरी भी कर पाएंगे और शरीर की दर्दों से छुटकारा भी पा सकेंगे। साथ साथ उनको गैस्ट्रिक की और कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ भी नहीं होगी। इसके अलावा जो लोग डायबिटिक हैं और साथ में जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, वो रात को सोते समय 1 चम्मच सौंठ और 1 चम्मच मेथी पाउडर अगर 1 गिलास गर्म दूध के साथ लेंगे तो काफ़ी सारी बीमारियों से वो बचे रहेंगे और शरीर को स्वस्थ फील कर सकेंगे।